इंस्पिरेशनल फिल्म है, एक वर्ल्ड चैम्पियन बनने की कहानी है, उसकी कड़ी मेहनत की कहानी है, तो निश्चित तौर पर देखी तो जानी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि एक्टिंग के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो परिणीति को और मेहनत करना चाहिए थी इस कैरेक्टर को लेके। शायद वो उतना सीरियसली उन्होंने उस कैरेक्टर को लिया नहीं, तो जो एक स्पोर्ट्समैन की बॉडी लाइन होती है उसके बहुत सारी चीज़ों में मुझे बहुत कमी लगी उसमें। स्टोरी बहुत अच्छी है, राइटिंग बहुत अच्छी लगी है, इंस्पिरेशनल फिल्म तो है, बच्चों को देखना चाहिए, खासकर बच्चों के माँ बाप को देखना चाहिए जो शायना नेहवाल अपने घर में चाहते हैं या सचिन तेंदुलकर अपने घर में चाहते हैं। डायरेक्शन कमाल का है, मतलब अमोल गुप्ते अपने क्राफ्ट में मास्टर तो है ही, राइटिंग बड़ी अच्छी है, डायरेक्शन अच्छा है, बाकी सब अच्छा है। मेघना मलिक बहुत अद्भुत काम करती है, उन्होंने इस फिल्म में वाकई जान डाली। वो मैं आपको, वो मेरे पब्लिकेशन में देखा। कहानी में, सॉरी, कहानी में बिल्कुल बोर नहीं हुआ, बिल्कुल पूरी तरह से बांध के रखा है। परिणीति बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है और इट वाज वेरी गुड ओवरऑल। म्यूजिक कैसा लगा? म्यूजिक भी अच्छा था। एंड व्हाट वाज द डायरेक्शन? डायरेक्शन हाँ, सब चीजें अच्छी थी। या एंड कितने स्टार देना चाहेंगे आउट ऑफ 5? आई वुड लाइक टू गिव 4 स्टार्स। थैंक यू। या पूरी फिल्म ही अच्छी है। एंड व्हाट वाज द परिणीति? शी इज गुड। द फिल्म वॉज वेरी नाइस, एज आई सेड, मैंने परिणीति से इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक्चुअली मैं पहले थोड़ा सा खुश था क्योंकि श्रद्धा को मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, बट परिणीति डेफिनेटली डिड अ वेरी गुड जॉब एज आई सेड। कहानी बहुत अच्छी थी, फर्स्ट हाफ बहुत स्लो था टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट जो एक थॉट प्रोवोकिंग जो एलिमेंट था फिल्म का वो सेकेंड हाफ के बाद है। सो येस, द बेस्ट पार्ट वॉज लाइक द एक्चुअल स्टोरी विच आई लाइक वॉज आफ्टर द इंटरव्यू। सेकेंड हाफ लगा क्योंकि वो ज़्यादा ग्रिपिंग था मेरे हिसाब से। आई डोंट नो लाइक शी, या शी डिड डेफिनेटली डिड फेयरली जो, बट हाँ मुझे थोड़ा लगा कि थोड़ा ज़्यादा यू नो थोड़े से कुछ न्यूंसेज उनके अगर होते तो आई थिंक दिस इज माई ओन परस्पेक्टिव कि श्रद्धा वुड हैव डन अ बेटर जॉब। म्यूजिक बहुत अच्छा था, स्पेशली द म्यूजिक विच प्लेज इन द लास्ट वैन यू नो शी एक्चुअली हग्स हर मदर, इट वॉज वेरी नाइस। 3.5। मूवी अच्छी लगी मूवी, लेकिन ये कि उतनी जितनी पहले बायोपिक देखी है, मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड टाइप, मिल्खा सिंह हो चाहे वो धोनी वाली हो, उसके हिसाब से थोड़ी अंडर रेटिंग रखी, मुझे उतनी इंप्रेसिव नहीं लगी जो पहले की मूवीज़ थी। मतलब सायना नेहवाल का जो रोल था परिणीति चोपड़ा का, वो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम था, मतलब वो कैरेक्टर वाला मुझे रोल दिखा नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लग रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कास्टिंग गलत हुई है, क्योंकि मैं सायना नेहवाल को देखने आया था परिणीति में, वो मुझे दिखी नहीं है एक्चुअली। मुझे तो वो कहते हैं ना रिकी बैल वाली जो मूवी आई थी, वही परिणीति चोपड़ा दिख रही थी उसमें, तो मुझे वैसी नहीं दिखी जैसी, मतलब एक बायोपिक में एक इंसान ढल जाता है, जैसे मिल्खा सिंह में अपने क्या नाम है उनका फरहान अख्तर पूरे लग रहे थे मिल्खा सिंह हैं ये, या धोनी में सुशांत लग रहे थे ये, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा। मैं ये नहीं बोलूँगा एक्टिंग ख़राब थी, बट कास्टिंग गलत थी, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रही है, बट एज ए ऑडियंस मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिली मूवी में कि बायोपिक में मैं सायना को देख रहा हूँ। एंड सेकेंडली स्टोरी बहुत फास्ट थी, मतलब उनकी जो ओवरऑल जर्नी दिखा दी है ना, इतने सारे मैचेस, मुझे लगा बड़ा ईजी गोइंग सा दिखाया, एक स्ट्रगल पीरियड जी। कहानी ने बांध के तो नहीं रखा, क्योंकि एक बायोपिक है, बायोपिक में हमेशा एंड तक लगा रहता है कि एंड में क्या होगा, ये तो हमें पता है कि शी इज़ अ स्टार सायना नेहवाल, बट वो किस लेवल से किस लेवल तक पहुंची है वो एक, और क्या क्या उन्होंने बीच में उनके अप्स एंड डाउन्स हैं वो देखते हुए, मुझे ऐसा लगा कि कहानी ठीक थे, बट इट शुड बी यू नो उसको इम्प्रोवाइज किया जा सकता था और अच्छे से शायद। 3-3। फिल्म मुझे बहुत पसंद आई है, और अगर मैं फिल्म के बेस्ट पार्ट की बात करूँ तो मुझे डायलॉग स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छे लगे फिल्म के। परिणीति की एक्टिंग भी अच्छी थी, और स्पेशली मानव कौल की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या
कहानी ने एक्चुअली काफ़ी बांध के रखा, क्योंकि एक के बाद एक टूर्नामेंट्स, हाइज और लोज बहुत सारे थे मूवीज में, तो मतलब ग्रिप जो है वो बांध के रखी है। आई थिंक उन्होंने बहुत मेहनत करी है, वो तो दिख के आ रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप यू नो हाई एक्सपेक्टेशंस लेके जा रहे हैं कि आपको एकदम 100% वो चाहिए, क्योंकि वो कोई भी नहीं कर, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन उन्होंने अच्छी ग्रिप पकड़ी है, जो भी उन्होंने किरदार में अपने आप को ढालने की कोशिश की है तो उन्होंने बहुत मेहनत करी है, वो दिख के आ रही है। व्हाट अबाउट द म्यूज़िक? आई थिंक म्यूज़िक मुझे अच्छा लगा, बिकॉज वो यू नो एक जो पीछे से जान देता है, तो म्यूज़िक वो कर रहा था, और जो भी हाइज और लोज दिखा रहे थे मूवीज़ के, उसमें म्यूज़िक ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, तो म्यूज़िक अच्छा लगा मुझे। आई थिंक आई वुड गिव 4। फिल्म बहुत ही बढ़िया है, इमोशनली कनेक्ट हो पा रहे हैं, बट आई फील दे कुड हैव डन बेटर, बट आई लाइक द वे अमोल गुप्ते हैज कम्प्लीटली शोन द स्टोरी, दैट इज़ व्हाट आई लाइक। कैरेक्टर को पूरी तरीके से जस्टिस नहीं हुआ है, पर जितना मैं कह सकती हूँ कि कैरेक्टर में आपको फ्लॉज दिखेंगे, अगर उसको नज़रअंदाज करेंगे तो यार बढ़िया है फिल्म। म्यूज़िक बहुत ही अच्छा है, जो एंथम है वो बेहतरीन तरीके से पिरोया गया है और मुझे बहुत पसंद आया। सेकेंड हाफ इज़ मच बेटर, यस। स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से लिखी गई है यार, जिंदगी है, आप प्रिडिक्ट कर ही सकते हो, किसी ने जी हुई है ऑलरेडी, आपने उनको देखा है, उनके न्यूज़ सब चलते रहते हैं, इट्स अ पर्सनालिटी। 3। फिल्म वॉज वंडरफुल, बहुत ही अच्छी लगी, इट वॉज वेरी इंस्पायरिंग, वेरी ग्रिपिंग, एंड देर वॉज नॉट वन मोमेंट इन द फिल्म वेर आई फेल्ट डल। इन फैक्ट लॉकडाउन के बाद ये मेरी सेकेंड फिल्म थी, सेकेंड प्रीमियर पे इन्विटेशन था, एंड दिस वॉज वंडरफुल, आई रियली रियली इन्जॉयड एवरी बिट ऑफ द फिल्म। कहानी तो खैर साइना के ज़िंदगी के ऊपर कहानी है, बट जिस तरह से इवेंट्स होते हुए आए हैं साइना की ज़िंदगी में, फिल्म में उस तरह से नहीं है, ऊपर नीचे आगे पीछे है। फॉर इंस्टेंस जो कोचेस थे, तीन कोचेस थे साइना के, फिल्म में एक भी कोच का रियल नाम नहीं लिया गया है। आप चाहे गोपालन की बात करें, या प्रकाश पाडुकोन की बात करें, या जो उनके मिस्टर विनय कुमार, जब वो एक्चुअली नंबर वन पोजिशन पर थी बैडमिंटन पर, मिस्टर विनय कुमार वॉज द कोच एंड देन शी काइंड ऑफ लेफ्ट टू जॉइन मिस्टर प्रकाश पाडुकोन, तो उस तरह से लाइनअप नहीं है, आगे पीछे है, बिकॉज ऑब्वियसली फिल्मिक लिबर्टी लेना पड़ा, इट्स अ फिल्म एंड इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट्री। सो परिणीति वॉज वंडरफुल, परिणीति के कई सारे पिक्चर अभी 2-3 हफ्ते पहले भी आई है, एक संदीप और पिंकी फरार लास्ट वीक रिलीज हुआ था, इट डिडंट क्वाइट डू वेल विद द बॉक्स ऑफिस, बट शी वॉज फैबुलस इन दिस फिल्म, शी काइंड ऑफ इम्बाइब साइनाज फिजिकैलिटी, हर एट्रीब्यूट्स एंड मैनरिज्म, इट वॉज वंडरफुल टू एक्चुअली वॉच। तो जो लोग शायद परिणीति को भूल चुके होंगे, इस फिल्म को अगर वो देखने आए तो हम 100% श्योर दे विल रियली लव हर एंड दे विल, it wouldn't mean exaggeration to say that unka acting career jo hai wo revive ho gaya is film ke sath. The music, thank you for asking me, the music, the lyrics, the dialogues, ek hi zindagi hai bar bar kya sochna, kuch dialogues hai jo ek bar sunne ke baad dimag mein bas jati hai, aur is film mein, aur especially likhne wale ke upar hai jis tarah se wo likhta hai, so I personally feel that the dialogues were wonderful and the music was fabulous too. 4.5 out of 5.